आज हम फ्रेंड्स इकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि इकोलॉजी में जो एनसीईआरटी में आपने देखा हुआ है डायग्राम बना हुआ है रामदेव मिश्रा जी का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो रामदेव मिश्रा हैं वो इन्होंने इकोलॉजी में पारिस्थितिकी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ इकोलॉजी कहेंगे तो इंडिया में, ठीक है, इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करते हैं तो वो रामदेव मिश्रा जी है, यानी फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। अब इनकी हम बात करते हैं रामदेव मिश्रा जी की, तो इनके इन्होंने इनका जो जन्म हुआ था वो 26 अगस्त 1908 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में जो लीड्स विश्वविद्यालय है, लीड्स यूनिवर्सिटी है, वहाँ से प्रोफेसर डब्ल्यू एच पियरसाल और एफ आर एस के अधीन 1937 में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, 1937 में प्रोफेसर डब्ल्यू एच पियरसाल एफ आर एस के अधीन इन्होंने 1937 में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि ग्रहण की, यानी पीएचडी इन इकोलॉजी। अब इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस वाराणसी में वनस्पति विभाग में पारिस्थितिकी विषय में शिक्षण और अनुसंधान के विभाग की स्थापना की। ठीक है, यानी कि वाराणसी में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में पारिस्थितिकी जो यानी कि बॉटनी विभाग में इन्होंने इकोलॉजी विषय में शिक्षण और अनुसंधान के विभाग की स्थापना की। ठीक है, यानी कि टीचिंग एंड रिसर्च, ठीक है, टीचिंग एंड रिसर्च डिपार्टमेंट की इन्होंने स्थापना की, यानी कि इन्होंने, ठीक है, शिक्षण और अनुसंधान विभाग की स्थापना की। अब मिश्रा जी की बात करें तो मिश्रा जी ने भारतवर्ष में पारिस्थितिकी पर प्रथम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शुरुआत की, यानी फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स था इकोलॉजी में पारिस्थितिकी में वो इन्होंने सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके शिष्यत्व में रहकर, यानी कि इनके शिष्यत्व में रहकर जो 50 से अधिक विद्यार्थी थे जिन्होंने पीएचडी की उपाधि ग्रहण की, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, और इन्होंने देश के अन्य विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थानों में जाकर पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के शिक्षण और अनुसंधान यानी कि शिक्षण और अनुसंधान का इन्होंने सूत्रपात किया। इनके अंडर में रहकर 50 जो इनके शिष्य थे, 50 स्कॉलर्स थे, उन्होंने, ठीक है, रिसर्च और टीचिंग में, ठीक है, पूरे रिसर्च और टीचिंग में 50 विद्यार्थियों ने इनके अंतर्गत इनके अंडर में पीएचडी की उपाधि ग्रहण की और अन्य विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान में जाकर इकोलॉजी के टीचिंग और रिसर्च का सूत्रपात किया। ठीक है, तो ठीक है, आज के तो आप देखिए और भी बातें बता देते हैं। इन्हें इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में फेलोशिप से तथा पर्यावरण और पारिस्थिति के लिए संजय गांधी जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। ठीक है, यानी कि नेशनल साइंस एकेडमी तथा वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ने फेलोशिप और पर्यावरण और पारिस्थिति के लिए संजय गांधी जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इनके प्रयासों से ही भारत सरकार ने नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग तथा कोऑर्डिनेशन की स्थापना की इन्हीं के ही प्रयास से। बाद में जिसने पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, यानी कि ड्यू टू हिज एफर्ट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड द नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विच इन लेटर ईयर्स पेव द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन 1984। तो ये तो जो फादर ऑफ
इंडियन इकोलॉजी थे जो हमारे रामदेव मिश्रा, इनके बारे में थोड़ा ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी थे वो थे ओडम, ठीक है। ओडम थे जो फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी थे, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा जी थे, जिनके बारे में भी हमने आपको बताया। और टर्म जो था इकोलॉजी, पारिस्थितिकी जो टर्म था वो हैकेल ने दिया था, ठीक है। और इनके जो इकोलॉजी के फादर थे वो रीटर थे। इंडिया में कौन थे? रामदेव मिश्रा थे। मॉडर्न इकोलॉजी की बात करें तो ओडम है, और फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करें तो वो रीटर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन थे, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन थे, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन थे, और वर्ड इकोलॉजी किसने दिया। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी, और वर्ड इकोलॉजी किसने दिया था। चार क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।